हेलो सर, मेरा नाम महिमा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या हमें लोन लेना चाहिए, इज़ इट गुड और बैड, और अगर हमें लोन लेना चाहिए तो हमें कितना लोन लेना चाहिए। वेरी गुड, महिमा नाम है आपका। महिमा, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हमें लोन लेना चाहिए, लेना चाहिए, इज इट गुड और बैड, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने करीब 12-14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है मनी के ऊपर। इंडिया के अंदर ना मनी की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, पूरी पब्लिक जो है मनी को लेकर स्ट्रगल कर रही है। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से पैसा कमा लें, और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो कमा लिया है वो बच जाए, है ना। सो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता है। मैं देखता हूं आसपास, सब लोगों की स्ट्रगल चल रही है। उस स्ट्रगल में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता है ना, कि स्ट्रगल के अंदर जो बूस्टर, मान लो आपकी स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्टर, वो आता है बूस्टर लोन से। लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका क्लियर कट आंसर है, हिंदी में याद कर लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोन, हिंदी में बोलते हैं लो ना, लो नहीं लेना है। समझ में आ गया आपको। मैं थोड़ा सा फ्रॉड समझाता हूं। पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े फ्रॉड चल रहे हैं आज की डेट में। सबसे बड़ा जो ट्रैप क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं बैंक। ध्यान रखिएगा आप, बैंक का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे पुराने टाइम में लाला जी होते थे, कोई मजदूर पकड़ लिया, उसे पैसा दे दिया, तो मजदूर पूरी जिंदगी लगा हुआ है, उसके बाद उसके बच्चे भी लगे हुए हैं, उस लोन के ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते थे। हिंदी मूवीज में देखा है हमने। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, पूरी वर्ल्ड की 98% पॉपुलेशन, ये कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च और डेटा बोल रहे हैं, लोन्स के ट्रैप में फंसे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। बैंक का मतलब क्या, आप देखो ना, पहले बैंक कम होते थे, आज की डेट में हर गली के अंदर बैंक है, हजारों बैंक हैं, लाखों ब्रांचेज हैं। वो चल कैसे रही हैं? बैंक सिर्फ चलता है किसके ऊपर, वो लोन देता है और लोन से इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक चल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खुली हुई हैं। लाला जी बोल लो, बैंक बड़ा वाला लाला, वो क्या है, आपको अलग अलग तरीके के लालच देते हैं। होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, अब टीवी फ्रिज भी लोन पे ले लो। ये जो ईएमआई जो है ना, इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इट इज अ ट्रैप, ट्रस्ट मी। और पैसे निकलवाने का और अच्छा मॉडल क्या कर दिया इन्होंने, डिजिटल बना दिया। जेब में नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, निकाल लो। अगर आप जैसे होम लोन को अगर आप देखेंगे ना, इसको ईएमआई जान के बोलते हैं, ऐसी टर्म्स पकड़ा दिए लोगों को समझ में ना। इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इजी मनी इंस्टॉलमेंट है। आप बैंक से होम लोन लेके देखिए, 5 साल बाद, मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया है ना, 5 साल बाद देखिए, आपका वो 50 लाख का लोन ना उसके आसपास ही खड़ा होगा। वो ये नहीं बोलते हैं कि 95% जो है ना इंटरेस्ट ही ले रहे हैं। 50 लाख का लोन लिया है, 50,000 रुपये की आपको, मैं आपसे बोलूँ कि बेटा 50,000 रुपये का आपको, या 40,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना है पहले 5 साल, तो आप लोगे नहीं सुन के। तो उन्होंने टर्म्स ऐसी डाल दी हैं, ईएमआई इजी। सो मैं लोन्स के सख्त खिलाफ हूँ। पुराने टाइम में देखे थे ना आपने, काले वाले वो जो अफ्रीकन होते थे, उन्हें गुलाम बना लेते थे, और वो नाव चला रहे हैं और हंटर मार रहे हैं, उनके ऊपर हथकड़ियां लगी होती थी, वो रस्सियां बंधी होती थी और वो चेनें बंधी होती थी, वो फिर भी काम कर रहे होते थे। आज की डेट में 95% पॉपुलेशन की यही हालत हो गई है। क्या उनकी हथकड़ियां दिखती थी, इनकी हथकड़ियां दिखती नहीं है। लोगों ने कोई शादी के लिए लोन ले लिया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, सीए की कैटेगरी में, बड़ा क्लोज फ्रेंड है सीए, उसने 50 लाख का लोन अपनी लड़की की शादी के लिए लिया, और अभी वो पिछले 4 साल से उसी लोन को भर रहा है। मतलब सीए के पास भी इंटेलिजेंस नहीं है उस लेवल की, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी हिडन इन्फॉर्मेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं, कंपनीज नहीं चाहती हैं, मीडिया नहीं चाहता है, एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहता है कि आपको समझ में आए ट्रैप्स। तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाले आदमी है ना, वो भी इसी ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। अनिल अंबानी, नीरव मोदी, किंगफिशर, जितने इंडिया के बिजनेसेस है ना, सबका एक कैलकुलेट कर लेना, सारे के सारे लोनों में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, छोटे इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े महारथी भी लोनों में फंसे हुए हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, लोन का मतलब है लो ना।
दो चीजें, एक है मनी, एक है आपकी लाइफ. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट यार. मैं आपसे बोलता हूँ चलो अपनी दो आंखें दे दो, 5 लाख ले लो. दोगे आप? नहीं यार. मैं काम करता हूँ, 24 घंटे काम करना, आप 24 घंटे काम करना, आपकी सैलरी 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, और अगले पूरी लाइफ टाइम काम करना है, करोगे क्या? नहीं, क्योंकि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट. मनी इज अबाउट लाइफ, योर लाइफ कैन नॉट बी अबाउट मनी. तो सब लोग लोन्स में फंसे हुए हैं, और आपको लोन में फंसाता कौन है पता है? ध्यान रखना, दुनिया के अंदर कोई भी आज की डेट में फाइनेंशियल कंसल्टेंट जैसा आदमी नहीं है. जो भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का कार्ड लेके और वो कोट पैंट पहन के आता है ना, वो ट्रैप में आता है आपको लेने के लिए. या तो वो ऐसे का एजेंट होगा, का एजेंट होगा, या किसी बैंक का एजेंट होगा. वो आपको कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश करेंगे, आपकी जेब में वो पैसा रुकने नहीं देंगे. आप समझ लीजिए, आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं, आपकी जेब में पैसे हैं. कोई तो होम लोन वाला फंसा के ले जाएगा, कोई तो कार लोन वाला फंसा के ले जाएगा, कोई आपको अलग लोन वाला, आपकी जेब में टिकने नहीं देंगे. और मान लीजिए आपने बैंक में पैसे डाल दिए, मान लीजिए सेविंग में डाल दिए, फिर आपको सेविंग में भी लोग डरा देंगे. क्या डर पैदा करेंगे? इन्फ्लेशन नाम का एक डर, कि जी आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो वो जो पड़ा है वो घट रहा है. ये बात समझ आ रही है? जो पैसा पड़ा है वो घट रहा है, वो इन्फ्लेशन का डर दिखाते हैं कि जी इसे इन्वेस्ट कर दो आप. तो वो इन्फ्लेशन इज अ ट्रैप क्रिएटेड बाय बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ वर्ल्ड. मैं बड़ी बात बोल रहा हूं. इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, आज आप 100 रुपए में 1 kg मैंगो लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे वर्ल्ड की, वो दुनिया भर के नोट छाप देती है. मान लो 1000-1000 के 500 नोट थे, तो 1000-1000 के 200 नोट और ले आएगी मार्केट में. तो क्या होगा, आपके जो पैसा जो बैंकों में पड़ा है उसको वो ऐसे ही गायब कर देंगे. आपके जो बैंक में पैसा पड़ा है ना, वो सरकारें और बैंक सिस्टम बना के आपकी जेब से, वैसे आपको पता भी नहीं चलेगा. इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स जो आपको बिना बताए, आपकी बिना परमिशन के आपकी जेब से निकाल लेते हैं. किसी अब आपके 100 रुपए की कीमत जो है, इन्फ्लेशन रेट हाई था, अब वो 100 रुपए के 1 kg मैंगो नहीं आएंगे, अब 800 ग्राम मैंगो आएंगे, तो आपको डर पैदा करेंगे. उस डर के बाद वो आपसे आके बोलेंगे जी शेयर्स में लगाओ, शेयर्स में लगाओ कि कहीं ना कहीं कोई लेके निकल लेगा आपकी जेब से. शेयर्स की अगर मैं बात करूं, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है. अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं जितने भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है मेरी वीडियो से. मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे शेयर्स का समझाता हूँ, हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा. एक विलेज के अंदर बहुत सारे बंदर थे. एक आदमी बाहर से आता है खरीदने, वो डिमांड करता है. बंदर की कोई वैल्यू नहीं है वैसे, बंदर का क्या करना है. वो कहता है मैं सर्कस से आया हूँ, मुझे मंकीज की जरूरत है, बंदरों की जरूरत है. 500-500 रुपये में 10-15 बंदर लेके चला जाता है. अगले महीने आता है तो लोगों को लगता है भाई तो बंदर की डिमांड हो रही है, तो बंदर का रेट 1000 कर देते हैं. वो अगले महीने आता है, 5-10 बंदर लेता है, 1000 के रेट पे ले जाता है. उससे अगले महीने आता है, पब्लिक को पता है वो आएगा, अब वो 2000 रुपये के रेट पे बंदर ले जाता है. बढ़ते बढ़ते रेट जो है 10000 रुपये हो गया है, 10000 में भी ले गया है वो बंदरों को. अब पूरे विलेज के आसपास जंगल के बंदर खत्म हो गए हैं, उन्हें पता है अगले महीने वो बंदर से लेने आएगा और 12000 रुपये का लेके जाएगा. तो अब उन्हें पता है वो बंदर ढूंढ रहे हैं. उसी बीच जो बंदर लेके गया था वो अपने एजेंट बिठाता है मार्केट में, और वही बंदर 10-10000, 8-8000, 7-7000 में पूरे निकाल देता है. पब्लिक वेट कर रही है, क्या वेट कर रही है, कि वो बंदर आएगा तो 12000 रुपये में, वो आदमी आएगा तो बंदर को 12000 रुपये में बेचेंगे, और वो वेट ही करते रहते हैं. वो आता ही नहीं है. वो जो 500 रुपये का बंदर था 10000-8000 में देके निकल गए. शेयर मार्केट का देख लो ना आप, कभी चाइना ने कुछ कर दिया तो गिर गया, कभी मोदी जी की इलेक्शन आ गया तो गिर गया, कभी पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो गिर गया, अरे कहीं कोई मच्छर भी काटते तो गिर जाता है. कोई कनेक्शन है? बड़े बड़े प्लेयर्स लगे हुए हैं आपको दिखा के इन्फ्लेशन का डर, आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए. मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, मार्केट में फाइनेंशियल कंसल्टेंट नाम की भी कोई चीज नहीं है आज की डेट में. जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट बैठा है, या तो वो आपको कुछ ना कुछ चिपकाएगा, वो आपकी जेब से पैसा ले जाएगा. तो मैं बोल रहा हूं, जो आपका मनी है ना, वैसे हमें अल्टीमेटली हमें लिक्विड की ही जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना. सो
सो मैं आपको एक मॉडल समझा रहा हूँ, आपकी लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए। पहली बार लोन का मतलब जोर से बोलो, लोना। पहला आपका टारगेट होना चाहिए आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पहला टारगेट। मान लो कुछ अर्निंग कर रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, पहला टारगेट होना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है आपको मंथली 30,000 रुपए चाहिए अपनी लाइफ को चलाने के लिए, मंथली 30,000 रुपीज चाहिए। आपके पास 6 मंथ्स का अमाउंट आपके बैंक में, एफडी में, सेविंग में, किसी ना किसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपके 6 महीने हैं। मान लो कभी जॉब चली गई, बिजनेस खराब हो गया, तो 6 महीने तो आपको धक्के नहीं खाने। मैं ऐसे लोग को जानता हूं, मेरी टीम में है लड़की जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है, उसकी अभी मदर की डेथ हुई, उसे यहाँ से पटना जाना पड़ा, उसकी जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि फ्लाइट पकड़ के पटना चली जाए और मदर के लिए जो भी डेथ हुई उसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर सके। ये हालत है आज की डेट में यंग जनरेशन की, सेविंग नाम पे कुछ है ही नहीं। सो ऐसी अर्जेंसी में आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम का 6 मंथ्स का मिनिमम बजट होना चाहिए। आपका 10,000 रुपये का एक्सपेंस है, मल्टीप्लाई 60,000। आपका 1 लाख का एक्सपेंस है मंथली, तो मल्टीप्लाई 6 लाख। हिलने नहीं देना है, कोई आप मार्केट में जाओ, कोई आपको लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर कुछ चिपकाने की कोशिश करे, उसे नहीं छेड़ने देना है। मेरे पास समझ में आ रही है? ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ो। आपके पास बैंक में अगले 3 से 5 साल का फंड पड़ा हुआ है। मान लीजिए 20,000 चाहिए मान लो मंथली, मान लो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। अगर आपके पास मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो में एफडी में पड़ा हुआ है, एफडी में अमाउंट घटता नहीं है, इन्फ्लेशन को वो कवर कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है? वर्स्ट केस सिनेरियो में एफडी में डाला हुआ है, 5 साल का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो स्टेबल हो गई ना। मान लीजिए जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, अगले 5 साल तक आप सर्वाइव कर सकते हो अपनी लाइफ को। मैंने बोला मनी इज अबाउट लाइफ, योर लाइफ इज नॉट अबाउट मनी। 5 साल का आपका इनसिक्योरिटी गायब हो गया। और अगर आपके पास पैसिव इनकम बोलते हैं, आपने मान लीजिए कुछ पैसा असेट्स में लगा दिया है, कुछ ऐसी चीजें जहां से पैसा आना आपके पास शुरू हो गया है रॉयल्टी इनकम में। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज मंथली चाहिए और 1 मंथ आपके पास असेट्स से आ रहा है, तो आपका रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो गया, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो 3 लेवल की चाहिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और ये सब कैसे आएगा? जब आप अपने इनकम बढ़ा, अभी क्या सब इनकम बढ़ाने में लगे हूँ। अरे मैंने कहा यार कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लो ना। मैं समझ रहा नहीं, मेरी ज़्यादातर वीडियोज के अंदर जो आ गया है उसे ना जाने दें, उसके ऊपर बनाए। लोग मैरिज के ऊपर धुआं उड़ा देते हैं पैसा। तो मेरी अगर वीडियो समझ में आ गई तो हो सकता है आप बोलोगे मैरिज पे पैसा नहीं लगा रहे या कम पैसा लगाएंगे तो बच गया। मैंने कई वीडियोस जो हैं ब्रांड्स के अगेंस्ट बना रखी है ताकि जो आपका पैसा जेब में आया वो निकल ना जाए। तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने कार के ऊपर, मैंने हाउस के ऊपर, जो बड़े बड़े बजट्स होते हैं आपके, जो एक ही बार में हाथी निकाल के ले जाता है, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। सो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं तो आपकी लाइफ के 3 टारगेट होने चाहिए मनी के आसपास, जितना भी अर्न कर रहे हो। पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी 6 मंथ्स जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस हैं। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 3 to 5 years का फंड आपके पास होना चाहिए। थर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। पर बीच में आपके ऊपर अटैक करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर आएंगे, शॉपिंग मॉल्स में जाओगे तो शोरूम्स आएंगे, amazon.com की कुछ वो सेल्स निकलेंगी, वो निकलवा लेंगे आपकी जेब से। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके आ जाएंगे लोग आपके पास। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान वाले पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, समझ में आ रहा है? कोई इन्फ्लेशन का डर दिखा के पैसा ले जाएगा। अरे मैं बोलो इन्फ्लेशन को थोड़ा और समझा देता हूं। आप आज की रेट में मान लीजिए 10,000, इन्फ्लेशन का मतलब है 10,000 रुपए की सब्जी खा जाओगे, जो भी सामान लाते हो 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ जाएगा मतलब 1,000 रुपए का फालतू खर्चा आ जाएगा, यही तो होगा। 10% बढ़ गया मैक्सिमम, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस मान लीजिए फूड दालें ये वो 20,000 रुपये की हैं, 2,000 रुपये पड़ जाएगा। पर वो 500-2,000 रुपये का डर दिखा के जितनी भी आपकी सेविंग्स होती है ना, मेरे एक फ्रेंड है उसने 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके शेयर्स के अंदर 50 लाख पे ले आया। डर किसका था उसको? अब से 5 साल बाद इन्फ्लेशन आएगा और मेरा पैसा गायब हो जाएगा। वो तो पता नहीं होगा नहीं होगा, अभी तो उसकी जेब से सारा निकलवा के ले गए। सो
ये सब जो मैं समझा रहा हूं ना, ये मैं मनी के एंगल से नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं लाइफ के एंगल से, मैं आपको समझा रहा हूं स्पिरिचुअलिटी के एंगल से। योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। अरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा मुझे नहीं पता भाई, बैंक में आपने डाला हुआ है मान लो एफडी में, स्ट्रेस तो नहीं है? मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शेयर मार्केट्स में डाला हुआ है, सुबह शाम न्यूज देखते रहते हैं, धुक धुक मची रहती है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें वो लगता है कि कुछ कुछ मोदी की सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या लेना देना है, आंखें बंद करके रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। सो मेरा आपको सजेशन ये है, मेडिटेशन इज द की, सिंप्लिसिटी इज द की, लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, फन एंजॉयमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप इस प्लेनेट पे सिर्फ 60-70 साल के लिए आए हो और सब कुछ यहाँ छोड़ के जाओगे, चाहे शेयर है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे प्रॉपर्टी, यहीं छोड़ के जाओगे। इन 70 साल में आधी लाइफ तो निकल ही गई है आपकी, जो बचे 25-30 साल है ना उसको जी लो, ये सब चक्करबाजी में मत फोड़ो, क्योंकि हर जगह से अटैक हो रहा है, मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है, कंट्रोल्ड है, डिजिटल में जाओगे 90% फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक आ नहीं पा रही है, और आप जो सुनते हो जो देखते हो वो आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, मुझे पैसा कमाना है आप लोगों से, तो कुछ और समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ड्रीम्स, कैसे पैसा कमा सकते हो, आओ मैं समझाता हूँ, जमा कराओ मेरे पास कोर्स का फी और फिर मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो इंटरेस्ट में लाया नहीं हूँ। थैंक्स टू संदीप मारवा, थैंक्स टू अक्षय मारवा, मेरे दे आर लाइक माई फैमिली। मैं AFT यूनिवर्सिटी रन करता हूँ, रेडियो स्टेशन, न्यूज़पेपर, और ये अनिल कपूर बोनी कपूर फैमिली है ना, तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इनका ओवरऑल बिजनेस मैं ही देखता हूँ, तो जितने भी स्टूडियोज जो यूज़ कर रहा हूँ, जो कैमराज जो यूज़ कर रहा हूँ, कैमरामैन जो यूज़ कर रहा हूँ, ये सब संदीप मारवा, अक्षय मारवा की वजह से यूज़ कर रहा हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अवेलेबल करवा पा रहा हूँ, यूनिक ऑथेंटिक, क्रेडिट गोज टू दीज टू पीपल। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।